तो कहीं सर साउंड इंजीनियरिंग का फर्स्ट फर्स्ट जो टॉपिक है साइंस उसके ऊपर बात करेंगे एंड उसके ऊपर मैं चार पॉइंट चार पॉइंट के ऊपर बात करूँगा एक साउंड व्हाट इज साउंड व्हाट इज़ ऑडियो एंड व्हाट इज़ डायनेमिक रेंज एंड व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी तो ये मेन टॉपिक्स है मतलब इसका थोड़ा बहुत नॉलेज रखना ज़रूरी है तो बा, बाद में जाके बाद में जाके काम में आएगा पहला जो टॉपिक है वो है साउंड व्हाट इज़ साउंड साउंड ऐसे uh, एकदम इजी वे में अगर समझे तो साउंड ऐसा चीज़ है कि पहले तुम लोग कोई सोर्स चाहिए जहाँ से साउंड आएगा जैसे कोई मेटलिक वाइब्रेशन हुआ या तुम लोग जहाँ से जहाँ से साउंड निकल रहा है वो सोर्स एक सोर्स फाइल होगा एंड एक मीडियम होगा एंड एंड उसके बाद आएगा हम लोग के कान में तो ये जो मीडियम है इसका तीन टाइप का मीडियम हो सकता है एक हो सकता है सॉलिड एक लिक्विड एक गैस तो सॉलिड फॉर्म तो तुम लोग पता ही है कि कोई सा भी वुडन वुडन सरफेस या कोई सा भी सॉलिड जो सरफेस है उसके थ्रू भी साउंड ट्रैवल कर सकता है लिक्विड के थ्रू भी साउंड uh, ट्रैवल करता है वो हम लोग को सुना ही नहीं देता लेकिन होता एंड गैस हम लोग को ईयर में जो गैस uh, रहता है uh, वही उसके थ्रू ही हम लोग को साउंड ट्रैवल होता है तो साउंड को, uh, को, को, को कोई कोई मीडियम चाहिए नहीं तो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता तो जैसे कि गैलेक्सी में साउंड uh, ट्रैवल नहीं होता क्योंकि कुछ मीडियम नहीं है तो ऐसे समझो इसी एंड और एक चीज़ साउंड ऐसा चीज़ है कि हम लोग को सुना ही देता है इसके बाद आता है वट इज़ ऑडियो तो ऑडियो है डिजिटल फॉर्म ऑफ साउंड मतलब जो साउंड है उसका जब डिजिटलाइज हो जाता है मतलब हम लोग का पीसी में आ जाता है मोबाइल में आ जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑडियो तो साउंड और ऑडियो तुम तो लोग को क्लियर हो गया होगा एकदम इजी डेफिनेशन तो सिर्फ समझने के लिए कहीं पे मतलब एग्जाम वेग्जाम नहीं होने वाला है तो समझने के लिए मैं ऐसे समझा रहा हूँ तो बेसिक नॉलेज हो अगर तुम लोग को पता पता नहीं है तो ये बेसिक नॉलेज हो तो अभी इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसीज फ्रीक्वेंसी समझने के लिए ये वाला हम पिक्चर यूज़ करेंगे जो तुम लोग को समझने में ईजी हो तो एक टाइम ड्यूरेशन uh, के अंदर वन मिली सेकेंड जैसे लिखा हुआ है वन मिली सेकेंड टाइम ड्यूरेशन के अंदर अगर कम वेव फॉर्म गया मतलब ये जो ऑडियो साउंड का जो वेव है तो ये वेव फॉर्म मतलब जो वाइब्रेशन में पहले बोला तो ये वाला वेव अगर कम मतलब कम पास किया एक सेकेंड के अंदर तो वो आ जाता है हम लोग का लो, लो पीच के अंदर या लो फ्रिक्वेंसीज के अंदर उसको बेस भी बोल सकते उसका वेव लेंथ थोड़ा बड़ा होता है वेव लेंथ क्या होता है ये वेव से लेके और एक वेव का जो गैप है इसको बोलते हैं वेव लेंथ इससे ये तक तो ये जो वेव है ये वन मिली सेकेंड के अंदर आ रहा है एक दो तीन ठीक है Uh, तो वैसे ही जब हाई पिच हो जाता है या हाई फ्रिक्वेंसी हो जाता है उसमें फ्रिक्वेंसीज मतलब वेव लेंथ छोटा हो जाता है और वेव के बीच में जो गैप है वो छोटा हो जाता है एंड वो नंबर ऑफ सर्कल्स भी ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से हम लोग को हाई फ्रिक्वेंसी सुनाई देती है जैसे तो ट्रेबल या बेल साउंड या कोई सा भी हाई साउंड ट्रेबल uh, बेल एंड फ्लूट का साउंड तो वो सब हाई uh, पिच के अंदर आता है एंड पिच मतलब हम लोग का म्यूजिकल टर्म है पिच एंड साउंड का टर्म है हम लोग का फ्रिक्वेंसीज तो ऐसे ऐसे समझ लो एंड ये सब चीज़ आगे बहुत आ, काम है एंड हम लोग हम लोग का रेंज होता है एंड ये जो फ्रिक्वेंसीज है इसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि हर्ड्स मतलब ये फ्रिक्वेंसी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग हर्ड्स एंड हर्ड्स हम लोग ट्वेंटी हर्ड्स से ट्वेंटी किलो हर्स मैं उसका भी एक पिक्चर दिखा रहा हूँ तो ये हो गया ऑडियो स्पेक्ट्रम जहाँ पे जहाँ पे हम लोग देख सकते कि लिखा हुआ है सबसे लो टेन एंड टेन टू लिखा हुआ है ट्वेंटी के तो जो टेन से ट्वेंटी हर्स है वो हम लोग को सुना नहीं देता सुनाई सुना ही नहीं देता उसको हम लोग इन बोलते हैं एंड उसके ऊपर वाला ट्वेंटी से लेके ट्वेंटी किलो हर्स तक हम लोग का रेंज है हम लोग सुन सकते पूरा लेकिन आ, क्या होता है कि एक्सट्रीम लोज एंड एक्सट्रीम हाईस हम लोग का थोड़ा बहुत मिसिंग हो जाता है ऑलमोस्ट पकड़ सकते हो कि थर्टी टू हम लोग फिफ्टीन के तक आराम से सुन सकते हैं किसी का बोलते हैं कि तुम लोग सुना होगा कि हाई पिच वॉइस uh, है एंड लो पिच में गाता है अगर ये सुना होगा तो लो मतलब ये लो एंड हाई मतलब ये हाई तो एक्चुअली म्यूज म्यूजिक प्रोडक्शन साउंड एक दूसरे से बहुत इंटरकनेक्टेड है तो दो फॉर्म है मतलब आ, बोलने का जैसे कि इस तुम लोग साउंड इंजीनियर के तरफ टाइप के भी बोल सकते हो या म्यूज़िक प्रोडक्शन के टाइप में बोलते जाते फॉर एग्जांपल म्यूज़िक प्रोडक्शन के अंदर आ जाते पिच या पे आ जाता है फ्रिक्वेंसी दोनों इंटरकनेक्टेड है एक, एक दूसरे से